नमस्कार, आप देख रहे हैं नित्य न्यूज टीवी। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, बैठक में मोदी सरकार द्वारा नए कानून लागू किए गए। ड्राइवर पर अत्याचार शुरू, 7 लाख का जुर्माना और 10 लाख की सजा, नया नियम लागू। ड्राइवर की कमी है इंडिया में, ड्राइवरों की कोई भी रिस्पेक्ट नहीं है, कोई भी इज्जत नहीं, ड्राइवरों के साथ तो अत्याचार हो रहा है। बहुत लोग बोल रहे कि भाई गाड़ी लाइन छोड़नी पड़ेगी, ड्राइवरी आप छोड़नी पड़ेगी। कोई बोल रहा है कि मैं सब्जी का दुकान लगा लूंगा, कोई बोल रहा है मैं किराने का स्टोर खोल लूंगा, कोई रास्ते में कोई भी बेध्यान हुआ या कोई रश कर आ गया और अकस्मात हो गया। अकस्मात करने के बाद वो व्यक्ति स्वयं उसको पुलिस स्टेशन या तो हॉस्पिटल ले जाता है, तो इसके लिए कम सजा का प्रावधान किया है। और हिट एंड रन केस, मरता हुआ छोड़कर कोई भाग जाता है, तो इसके लिए हमने 10 साल की सजा का प्रावधान करते हैं। ये आज सरकार बनी है, कल दूसरा कानून, कल तीसरा कानून, ये ड्राइवर का पेट पे लात मार रहे हैं। और जो ये नया बिल पास हुआ है, हम इसको नहीं मानेंगे, नहीं मानेंगे। ड्राइवर को 10 साल की सजा किस लिए भाई? कौन सी सजा, किसके लिए सजा? एक तो भूखा प्यासा ड्राइवर रात की नींद में चल रहा है, कोई सुविधा नहीं, ना तो डीजल टैंक आ रहा, ना एडवांस आ रहा। एक ड्राइवर 24 घंटा रोड पे रहता है, उतना बिल्ली की मौत मरता है, और फिर ऊपर से ड्राइवर के ही डंडा कर दिया जाता है। इस कानून को हम नहीं मानते, जितना भी ड्राइवर है हमारे इंडिया के अंदर। हम सबकी तरफ से हमारा ये विचार है, जितने भी भाई है सारे अपनी अपनी गाड़ी छोड़ देना। आपको बता दें, बैठक में मोदी सरकार द्वारा नए कानून लागू किए, जिसके अंतर्गत ड्राइवर को एक्सीडेंट होने पर 7 लाख का जुर्माना और 10 साल की सजा का नियम लागू किया गया। आपको बता दें, बैठक में चर्चा की गई, नया संशोधित मोटर व्हील एक्ट को वाहन चालकों के लिए काला कानून बताया गया।